भाई भाई ग्रुप जिस तरह मुसलसल 6 सालों से रमजान में फ्री शहर रोजगारों तक पहुंचाने का काम जो करता आ रहा है, खास करके वाड़ी रेलवे जंक्शन से होते हुए जो ट्रेनें और मुसाफिर गुजरते हैं उन तक जो पहुंचाते हैं, वो इस साल भी बराबर हम लोग महीने के पूरे 300 शहर में आप तमाम के बीच में मौजूद रहेंगे। जितनी भी ट्रेनें रात में जो वाड़ी रेलवे स्टेशन से होकर जो ट्रेनें गुजरती हैं, तमाम ट्रेनों में हमारे वॉलंटियर्स मौजूद रहेंगे और मुफ्त शहर का इंतजाम भी मौजूद रहेगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, तमाम जितने भी मुख्तलिफ मजहब के लोग हैं जो कि रमजान नहीं मनाते या फिर रोजा नहीं रखते, उनको भी अगर खाना खाना चाहिए तो उनके लिए भी मुफ्त खाने का इंतजाम है। This video presented by Al Sharia PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharia PU College for Girl at Muslim Chowk, Mijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharia BSc Degree College for Girls, Yadala Colony, and Al Sharia Public School powered by LED, Old Jewargi Road. Admission are open, contact for details. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main Shamshir Ahmed, aap tamam ko is Ramzan ki bahut bahut mubarakbad deta hu hamare group bhai bhai group ki janib se। और हर साल की तरह इस साल भी मैं आप तमाम लोगों के सामने मौजूद हुआ हूं ताकि मैं आप तमाम तक इत्तला पहुंचा सकूं कि भाई भाई ग्रुप जिस तरह मुसलसल 6 सालों से रमज़ान में फ्री शहर रोजगारों तक पहुंचाने का काम जो करता आ रहा है, ख़ास करके वाड़ी रेलवे जंक्शन से होते हुए जो ट्रेनें और मुसाफिर गुजरते हैं उन तक जो मुफ्त शहर का इंतज़ाम जो हमारे भाई भाई ग्रुप के वॉलंटियर्स जो पहुँचाते हैं, वो इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बराबर हम लोग महीने के पूरे 300 शहर में आप तमाम के बीच में मौजूद रहेंगे। हमारा ये काम रात जितनी भी ट्रेनें रात में जो गुजरती हैं वाड़ी रेलवे स्टेशन के स्टेशन से होकर जो ट्रेनें गुजरती हैं, फिर वो जितनी भी ट्रेनें हों, तमाम ट्रेनों में हमारे वॉलंटियर्स मौजूद रहेंगे और मुफ्त शहर का इंतज़ाम भी मौजूद रहेगा। और ना कि सिर्फ रेलवे स्टेशन में, ना कि सिर्फ मुसाफिरों को, बल्कि वाड़ी टाउन और वाड़ी टाउन के अतराफ जो भी इलाके आते हैं, जहां भी कोई ऐसे मुस्तहिक लोग हैं जिन तक शहर पहुंचाना चाहिए हमें, आप हमें बता सकते हैं, उन तक भी शहर पहुंचाने का काम ज़रूर करेंगे। और जो मुस्तहिक लोग हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप अपने शहर बुक करा सकते हैं। और जो मुसाफिर हैं जो कि बॉम्बे, बेंगलोर, हैदराबाद, उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु, गुजरात में अहमदाबाद, गुजरात से जो मुसाफिर सफ़र करते हैं, जो खसूस वाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन से जो होकर गुजरते हैं, जो कर्नाटका में कलबुर्गी, गुलबर्गा जिसको कहा जाता है, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में वाड़ी जंक्शन जो आता है, आप ये बात थोड़ा ख़ास करके याद रखिए कि कर्नाटका स्टेट में गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें जो वाड़ी रेलवे स्टेशन जो आता है, वहाँ से होकर जो भी ट्रेनें गुजरती हैं रात में, रात के 10 बजे से लेके सुबह फजर की अजान तक जो भी ट्रेनें गुजरती हैं, आप उन तक ये बात ज़रूर पहुंचाएं, उन मुसाफिरों तक ये बात ज़रूर पहुंचाएं। एक्चुअली मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि कर्नाटका में गुलबर्गा, ये बार बार स्पेसिफाई इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमें जो कॉल आते हैं वो बिहार से या फिर यूपी से, कलकत्ता से या फिर पंजाब से, जहाँ जहाँ से भी ट्रेनें गुजरती हैं, तमाम हिंदुस्तान से हमें कॉल आते हैं क्योंकि हमारे वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल होते हैं, तो उस वजह से वीडियो को देख के काफ़ी जगहों से कॉल आता है कि हम यहाँ से गुजर रहे हैं, हम कलकत्ता से गुजर रहे हैं, हम हावड़ा से गुजर रहे हैं, हम बिहार में गुजर रहे हैं, हम दरभंगा से गुजर रहे हैं, यहाँ पे हमें शहर का इंतज़ाम चाहिए। हम वहाँ पर शहर का इंतज़ाम मुहैया आप लोगों को नहीं करवा सकते, माफ़ी चाहते हैं। हमारा ये इंतज़ाम सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका स्टेट में गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट वाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाले मुसाफिरों के लिए ही है। और जो भी मुस्तहिक लोग वाड़ी और वाड़ी के अतराफ इलाकों में जो भी मुस्तहिक लोग हैं जिन तक शहरी पहुंचाना ज़रूरी है, वो आप बता सकते हैं, उन तक भी हम शहर का इंतज़ाम ज़रूर करेंगे। और हम ये काम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की दुआओं के लिए करते आ रहे हैं और आप लोगों की दुआओं के मुस्तहिक हम लोग हैं। हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं जो इसमें अपने पूरे 30 दिन लगाते हैं, उन तमाम नौजवानों के लिए आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर दुआ करें। और हमारे इन वॉलंटियर्स में ना कि सिर्फ मुसलमान बल्कि हमारे गैर मजहबी भाई भी है, जो भाई भाई ग्रुप की ये खासियत है कि हमारे तमाम जो साथी हैं वो आपस में एक दूसरे के हम लोग भाई हैं, इसीलिए हमारे ग्रुप का नाम भाई भाई है। तो इसमें ज़्यादातर जो गैर मुसलमान हमारे नौजवान भी हैं, जो मुसाफिरों तक या फिर रोजगारों तक जो खाने का इंतज़ाम पहुँचाते हैं, शहर जो पहुँचाते हैं, उनके भी हक़ में आप दुआ करें, तमाम हमारे वॉलंटियर के हक़ में दुआ करें। और इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, मैं और एक मैसेज भी ये देना चाहता हूँ कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, तमाम जितने भी मुख्तलिफ मजहब के लोग हैं
जो कि रमजान नहीं मनाते या फिर रोजा नहीं रखते या फिर सहर नहीं करते, उनको भी अगर खाना खाना चाहिए तो उनके लिए भी मुफ्त खाने का इंतजाम है। आपको पूरे 30 दिन मुफ्त खाना जो है रेलवे स्टेशन पे मुहैया कराया जाएगा। और इसी के साथ मैं आप तमाम से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अगर ये वीडियो को शेयर करते हैं तो वहां पे जरूर अपने कैप्शन में ये मेंशन कीजिए कि वाड़ी जो है कर्नाटका में गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में आता है, ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि सिर्फ ये वाड़ी जंक्शन के लिए ही ये इंतज़ाम है। और इसी के साथ मैं आप तमाम से विदा लेता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि आप तमाम का रमज़ान जो है बहुत अच्छे से गुजरे और मोहब्बत और भाईचारे को आम कीजिए। हमारा भी वही काम है, हमारी कोशिश वही है कि जिस तरह से मुल्क के हालात और सारी दुनिया के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि इस भाई भाई ग्रुप के इस एक छोटे से अदना काम के ज़रिए हमारे गैर मजहबी भाइयों में ताल्लुकात बढ़ें, हमारी जो है मोहब्बतें बढ़ें और हमारे में भाईचारा कायम रहे। और इसी के साथ साथ इस रमज़ान में ज़रूर अपने इफ्तारों में फ़लस्तीन के उन मजलूमों के लिए दुआ करना ना भूलें जिनका रमज़ान, कई रमज़ान जिनके फाखों में गुजर रहे हैं, भूखे जो शहर में हैं, जो इफ्तारों में भूखे हैं, जो काफ़ी परेशान हाल अपने रमज़ानों को गुजार रहे हैं, उन मजलूमों के लिए आप ज़रूर दुआ करें, उनके हक में दुआ करें। और अल्लाह ताला से ये भी दुआ करें ना कि सिर्फ फ़लस्तीन बल्कि दुनिया में चलने वाली हर जंग को अल्लाह ताला जो है रोक दे और हर दुनिया के हर हिस्से में अमन और सुकून कायम करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।